बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छी सेहत में। तो दुआ करती हूँ अल्लाह आपको कामयाबी दे इस दुनिया में तो आखरत में। आज मैं किबाब रोल्स बनाऊँगी। यहाँ है इंग्रेडिएंट्स: टर्मरिक पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ड्राइड कोरिएंडर एंड गरम मसाला। यहाँ है पाउडर्स, डॉक्टर ने थोड़ा मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं, साथ में साथ जाएगा। अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर पाउडर एंड जिंजर पाउडर। एंड यहाँ है ब्रेड क्रम्स। यहाँ मैं क्रस्ट उतार रही हूँ ब्रेड के ऐसे। यहाँ है सभी में ब्रेड क्रम्स, ब्रेड से सारे क्रस्ट फूड प्रोसेसर में डाल रही हूँ। अभी मैंने चिकन ऐड किया है, मसाले ऐड किए। सब शुरू किया है मैंने, ये इनको रोल आउट कर रही हूँ, फिर ऐसे बना रही हूँ। This is the shape. ऊपर इनको फ्राई पैन में रखे हैं, मीडियम फ्लेम है। अभी मैंने लो गैस कर दिया है, सो ये अच्छी तरीके से बने, कुक है। तो अभी मैंने इनको टर्न ओवर किए 3 मिनट के बाद। मैंने 3 एग क्रैक किए हैं। तो ये कुक हो चुके हैं, तो ये 3 अभी कुक होंगे। 5 तक करिए, ये दूसरा अब डाले हैं। तो अभी मैंने एग पेस्ट लगाया है अराउंड द एजेस, चारों तरफ। ये है एग पेस्ट, तो इसके ऊपर मैंने चीज स्लाइस डाली है। सो यहाँ है एक ब्रेड, तो इस पर एग पेस्ट लगा रही हूँ। अभी इसके ऊपर मैं चीज स्लाइस डालूँगी। अभी ये किबाब ऐसे डाला है। अभी इसको सील किया है, अभी इसके ऊपर लगा रही हूँ एग पेस्ट, तो फिर इसको डालूंगे एग क्रम्स में। सो ऐसे सारे तरफ से एग क्रम्स और मेकिंग श्योर सारा ऑल एरिया आर कवर्ड विद ब्रेड क्रम्स। सो अभी मैं ये कॉर्नर्स देख सकते हैं, मैंने 3 बार एग मिक्सचर में, एग पेस्ट में डिप किया है, फिर कोट किया है। सो ऐसे इवन अगर खुले फ़र्क नहीं पड़ता, सील हो जाते हैं तो फिलिंग तो नहीं निकलता बाहर के बाद। ये दो डाले किबाब रोल्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किबाब रोल्स बन चुके हैं।
देख सकते हैं कैसे हैं। अभी मैंने एक खाया है, मतलब बहुत ही स्क्रम्शस है, माउथ वाटरिंग, वेरी वेरी टेस्टी है, हैव टू से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करना, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट भी करना, तो दुआ में याद रखना। फिर अगली बार मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। तो आप ये हाँ देख सकते हो कैसे अंदर से लग रहे हैं, मुझे सौ करना थोड़ा देख सकते यहाँ ऐसे लग रहे अंदर से, बहुत ही अच्छे।